आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिली गार्लिक अंडा पराठा रेसिपी। इसके लिए ना हमें आटे को गूंदने की जरूरत है और ना पराठे को बेलने की, तो भी ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और ये इजीली बन भी जाता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वेलकम टू टेस्टी खाना फॉर यू और मैं हूँ सुप्रिया। चिली गार्लिक अंडा पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1.5 छोटी कटोरी मैदा। इस क्वांटिटी से हम एक अंडा पराठा बना सकते हैं। तो स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ध्यान रखना है कोई भी लम्स ना रहे और एक स्मूथ बैटर बन के तैयार होना चाहिए। तो ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, सेम ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस बैटर का परफेक्ट मेजरमेंट ये है कि मैंने एक छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी मैदा लिया था और एक छोटे ग्लास से 1 ग्लास पानी और बिल्कुल थोड़ा पानी यूज किया था बैटर को बनाने के लिए। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है एक अंडा पराठा बनाने के लिए। तो अभी हम लेंगे एक अंडा, और अंडे में डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेगानो और स्वाद के अनुसार काला नमक। काला नमक जरूर ऐड कीजिए क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए। और 1 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक और बिल्कुल थोड़ा सा धनिया। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे। मसाले बहुत अच्छी तरीके से अंडे में मिक्स होने चाहिए। तो अभी हम गैस पे एक पैन गरम करेंगे। इस पूरे रेसिपी में हमें गैस का फ्लेम लो मीडियम पे ही रखना है और जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और बटर को हम पैन में फैला देंगे। और इस रेसिपी के लिए हमें नॉनस्टिक का ही पैन यूज करना है। इसके बाद हम इसमें बैटर को डाल देंगे। और इसको अच्छे से राउंड शेप में फैला देंगे और इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि पराठा ऊपर से सूख नहीं जाएगा। और जब पराठा नीचे से अच्छे से पक जाएगा तभी हम पराठे को टर्न करेंगे। तो ये देखिए पराठा ऊपर से अच्छे से सूख रहा है और एक बार चेक कर लेंगे कि पराठा नीचे से पक गया है या नहीं। तो ये देखिए पराठा नीचे से पक गया है, तो अभी हम इसको टर्न कर लेंगे और इसके बाद हम पराठे के ऊपर अंडे को डाल देंगे और अंडे को पराठे के ऊपर अच्छे से ब्रश से फैला देंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में ही रखेंगे। और जब तक कि अंडा ऊपर से सूख नहीं जाता है और पराठा जब तक कि नीचे से अच्छे से पक नहीं जाएगा तब तक हम इसको टर्न नहीं करेंगे। और हाँ, इसके पहले भी मैंने आपके साथ अंडा पराठा की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये देखिए अंडा पराठा बहुत अच्छी तरीके से पक गया है, तो अभी हम इसको टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए पराठा ऊपर से कितना अच्छा गोल्डन हो चुका है। तो अभी हम साइड से बटर लगाएंगे। आप चाहे तो बटर के बदले में तेल, घी, जो भी आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं। और साइड से बटर जरूर लगाइए क्योंकि इससे अंडा पराठा अच्छे से फूल जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर से बटर लगा लेंगे और इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो अंडा पराठा कच्चा रह जाएगा। तो ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। अगर आपको बहुत कम बटर पसंद है तो आप कम बटर भी यूज कर सकते हो। तो इसे हम हल्का हल्का प्रेस करके पराठे को पका लेंगे। मुझे तो अंडा पराठा बहुत पसंद है, क्या आपको भी अंडा पराठा पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये देखिए हमारा पराठा जो है वो पक चुका है, तो अभी हम इसको टर्न कर लेंगे। तो हमने इसमें बटर थोड़ा ज्यादा डाला था इसलिए अंडा पराठा बहुत अच्छी तरीके से फूल गया है।
तो ये देखिए हमारा अंडा पराठा बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं मिलूंगी आपको एक नए रेसिपी के साथ।